इंफोसिस के को फाउंडर एन नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम करने का सुझाव देकर एक नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर नारायण मूर्ति के इस प्रस्ताव की लोगों ने जमकर खिलाफत की है, लेकिन उद्योग जगत उनके इस सुझाव का स्वागत कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। उद्योग जगत का मानना है कि अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो फिर युवाओं को आराम छोड़कर ज़्यादा काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि भारतीय अभी भी दुनिया भर में हर हफ्ते सबसे ज़्यादा काम करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय कर्मचारी हर हफ्ते औसतन 47 घंटे 7 मिनट काम करते हैं। वहीं अगर 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलना की जाए तो भी वर्किंग आवर के मामले में भारतीय सबसे आगे। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कर्मचारी हफ्ते में औसतन 36 घंटे 4 मिनट काम करते हैं। वहीं चीन में 47 घंटे 1 मिनट, जापान में 36 घंटे 2 मिनट, जर्मनी में 34 घंटे 3 मिनट, ब्रिटेन में 36 घंटे 9 मिनट, भारत में 47 घंटे 7 मिनट, फ्रांस में 30 घंटे 1 मिनट और कनाडा में 32 घंटे 1 मिनट। दक्षिण कोरिया में 37 घंटे 3 मिनट का एवरेज वर्किंग वीक है। दुनिया भर की रैंकिंग में भारत से आगे केवल कतर, कांगो, भूटान और UAE हैं। उधर नारायण मूर्ति का तर्क है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद के हालात ऐसे थे कि लोगों ने खूब काम किया और फिर अपनी अर्थव्यवस्था को खूब आगे ले गए। उन्होंने कहा कि जर्मन और जापानियों की तरह ही काम के घंटे बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाना होगा। हालांकि इसके बाद ही वो कर्मचारियों के स्वास्थ्य और फिटनेस पहलू पर भी ध्यान देने की सलाह देते हुए दिखे। पिछले साल बॉम्बे शेविंग कंपनी के शांतनु देशपांडे ने भी कहा था कि करियर की शुरुआत में 18 घंटे रोजाना काम करना चाहिए। तब उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी और उनको माफ़ी तक मांगनी पड़ी थी। वही आंकड़े ये भी बताते कि हम भारतीय काम करने में किसी से पीछे नहीं हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।